Akash in 9th standard. So I joined early, I gave Anthe in 8th standard. Pretty much a game-changing moment for me. Now I'm competing all across India. Hello everyone, good evening, welcome to the class. How are you all doing? We are meeting after a few days now, right? I thought that your exams have got over, so थोड़ा सा आपको भी break देते हैं, right? थोड़ा आप भी chill करो, थोड़ा सा enjoy करो, because obviously just after your exams, पढ़ने का इतना मन भी नहीं करता, isn't it? Yes, draw with me, Vibhav, Jyoti, Tiny World, Aditya Chauhan, Navika. Good evening, a very very good evening to all of you. डिप्रेशन क्यों हो रहा है भाई? लोनली डोरा जोम्बी, कुछ नहीं हो रहा है, सब में फेल. अरे आई टेल यू वन थिंग, सी जिनके एग्जाम्स फिनिश हो गए हैं और जिनको मार्क्स मिल गए हैं इनकेस वापस, एंड अपनी आंसर शीट्स देखने के बाद आपको लग रहा है अरे यार आई कुड हैव डन बेटर, या मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं, आई एम फेलिंग इन पेपर्स, प्लीज डोंट वरी. ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है. आई टेल यू वन थिंग, अब जो हो गया यू कांट चेंज इट, राइट? द डैमेज इज ऑलरेडी डन. बट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो आने वाला है एटलीस्ट वी कैन वर्क ऑन दैट, एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू मेक इट बेटर. यस यस, लोनली डोरा जोम्बी, राकेश शर्मा, इंदु यादव, एग्जाम स्टार्टेड. अरे बहुत लेट है ये तो, दैट टू फेस्टिवल टाइम में. गुड आफ्टरनून, यस अथर्व, टाइनी वर्ल्ड, थैंक यू टाइनी वर्ल्ड. यस ऑफकोर्स राकेश, आई डू रिमेंबर. Sorvi, Rakesh Singh, acha Sorvi, in case I forget you will have to tell me again. Zoe, yes I am good, how are you? 76 out of 80, wow that's amazing Jyoti, and I'm sure that 4 marks too will lose bhi hue na next time. Koi bahut badi cheez nahi hai, as I always say, school mein paper mein score karna, right? Next time we will try ki hum 100% score kare. Good evening Aastha, Adrija, Mona, yes of course I remember B Jasvi. Yes, I am seeing your name for the first time here, B Jasvi, so yes, hi areas. And अच्छा आज हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम? Today we will talk about algebra, right? Algebra पढ़ेंगे हम लोग. Let me just select the pen color. Okay, आज हम algebra पढ़ेंगे और सिर्फ एक ही क्लास में, in just one session I'll be covering all the concepts. थोड़े बहुत questions भी हम लोग discuss करेंगे, but I tell you one thing, questions आपके NCERT के in detail, I mean properly उसको हम discuss करेंगे वीकेंड पर. यस अगेन आई एम कमिंग लाइव ऑन वीकेंड और मैं आपको एग्जैक्टली टाइमिंग्स बताऊंगी किस टाइम आपकी क्लास होगी मैथ्स की वीकेंड्स पे एट द एंड ऑफ द सेशन. सो वेट टिल द एंड, अभी एंटायर चैप्टर हम कवर करते हैं, इसको समझते हैं. एग्जाम स्टार्टेड यस्टरडे, या लॉट ऑफ डाउट्स, जिनको डाउट्स भी हैं कोई बात नहीं, संतुष्ट कर. आई कैन सी अ लॉट ऑफ न्यू नेम्स ओवर हियर, आई डोंट नो मेरे सेशन से मुझे कैसे इतने न्यू स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, इट हैपेंस एवरी टाइम. सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कीप गेटिंग नोटिफिकेशन अबाउट द अपकमिंग सेशन. आई टेल यू वन थिंग, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेशन के लिए आ रहे हैं दे आर कमिंग रेगुलरली फॉर द क्लासेस, एंड आई एम श्योर ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स खुद बता सकते हैं कि एक्चुअली में उन्हें क्लासेस से बेनिफिट हो रहा है या नहीं, राइट? ये एक्चुअली क्लासेस फ्रूटफुल हैं या नहीं, यूजफुल हैं या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग आई एम कवरिंग हियर इन माय सेशंस, एंड आई मेक श्योर, थैंक यू बी जस्वी, एंड आई मेक श्योर कि आपको पूरा पूरा बेनिफिट हो. दैट्स व्हाई आज पूरा चैप्टर कवर करेंगे एल्जेब्रा का. जब कवर करेंगे का मतलब कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, क्वेश्चंस प्रॉपरली एनसीईआरटी के नेक्स्ट सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग, राइट? यस आयशा, एब्सोल्युटली नॉट आयशा, यू नो दैट मैम नेवर इग्नोर्स एनीवन, इट जस्ट दैट. यस अभिलाषा राव, थैंक यू, that's fine. And Navika is saying ki ma'am algebra I know nothing about it, is that okay? Yes, it is absolutely fine, because first time we are doing this session here on algebra, right? So I'll be explaining everything right from scratch. Krishnamurti, new to the class, study material, grammar success series 96/100, vidya.nirvate. I can see a lot of students over here. Come on students, jitne bhi yahan pe new students hai, fatafat se pehle subscribe the channel, pehle channel ko subscribe karo. Vidansh, yes. Navika Chauhan, Gamer Dudes, who else? और बहुत सारे new names थे. Sushravya, Sorvi, yes Sorvi, correct, right? वैसे मैम को नाम याद रहते हैं, at times I also forget because you are here, you have logged in with different IDs, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है,
Yes, Gamer Dude. Everybody, quickly. Spoorthi, Geeta Devi, Akta Lucky. Thank you for subscribing and trust me, you will not regret it. The students who have already subscribed the channel, regret nahi karoge, but itna karna hai aapko, whatever I am saying here, whatever I tell you to do, please follow my words strictly. Easily aayenge, aapke 95% plus marks to easily aayenge. Thoda sa extra effort daloge na, I am telling you, 100% marks lana koi difficult baat nahi hai. Especially maths mein bilkul bhi nahi hai. Easily marks aate hai maths mein. It's not difficult. Thank you BJSP. रेशियो प्रोपोर्शन, डोंट वरी, सी सारे चैप्टर्स हम यहाँ कवर कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम कोई चैप्टर छोड़ रहे हैं. यस, सौरभ सर की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं दिल्ली में हूँ, सौरभ सर बैंगलोर में है. सौरभ सर की आवाज कहाँ से आ जाएगी? थैंक यू आयशा. चले आगे, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज एंटायर चैप्टर हमें कवर करना है. ओ ओ ओ वन सेकेंड, हु इज दिस? ये कौन है? मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ या आप खुद बताओगे ये कौन है? चलो फटाफट से. Yes, ratio proportion जो students कह रहे हैं, it's coming next week ही हम करेंगे. Alex, very nice. See, जो students regularly classes के लिए आते हैं, they know this character very well. Yeah, yes, that's Alex. And Alex कर क्या रहा है आज? What is he doing? He has actually found a treasure map in his hand. You can see this. Wow, treasure map. Now he is going for a treasure hunt. Are you all excited? Treasure hunt exciting चीज लगती है, नहीं? Yes, of course, Navika Chauhan, koi baat nahi. First time pata lag gaya, Alex hai, you're going to see him in almost every session. Yes, Ujjwal Gupta, subscribed, yes. Nahi, new students have subscribed kara. See, why I ask you every time ke subscribe kara ya nahi? The only reason is, because aap subscribe nahi karoge, aapko, aur aap notification ke liye bell icon ko hit nahi karoge, aapko notifications nahi aayenge. You will not know whenever we are, like, when we are going to have our next session, what is the topic, right? So, you will be missing out on a lot of classes and I really don't want you to miss that. This is the only reason, yes. Sam Trickster, Indu Yadav, great. Ritika, at the end of the session, beta, I'll answer to this question. Okay, all right. So this is Alex. Now Alex is going on a treasure hunt. अब treasure hunt में कुछ levels हैं. इतना simple नहीं है ये. See 1, 2, 3, 4, 5. Can you see that इस treasure तक जाने के लिए पहले ये doors को unlock करना पड़ेगा. Oh, this is interesting, right? चलो, let's see that. अब पहले level 1 देखते हैं. Level 1 के लिए क्या करना पड़ेगा? Now it says crack the pattern. अगर door को unlock करना है तो क्रैक करो पैटर्न को. यू हैव टू फिगर आउट द पैटर्न फॉर द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड टू मेक एन स्क्वायर्स एज शोन इन द फिगर टू अनलॉक द डोर. डोर को अनलॉक करने के लिए आपको ये पैटर्न क्रैक करना पड़ेगा, राइट? अब स्क्वायर्स बने हुए हैं यहां पर. एन वन लिखा है, एन टू लिखा है, दो स्क्वायर हैं, तीन स्क्वायर्स हैं, एन थ्री लिखा है, फोर स्क्वायर्स हैं, एन फोर लिखा है. यस, थैंक यू ग्रामर सक्सेस सीरीज, थैंक यू. यस, बट यहां पर पैटर्न क्या है? Alex is trying to figure this out. कुछ तो pattern है, कुछ तो general rule यहाँ follow हो रहा होगा. Now, Alex ये सोच रहा है, something like this was taught to him at a school by the maths teacher. See, उसको treasure hunt के लिए कभी school में कुछ maths teacher ने पढ़ाया होगा, वो help कर रहा है आज. तो at least मुझे ऐसा लगता है कि यार maths teacher जो आपको बोलते हैं ना school time पे, जब हम समझा रहे हैं, at least उसको ध्यान से सुन लिया करो. You never know कब आपका rule कब आपको काम में आ जाए. Yes, Atharvi is saying, ma'am, 4N है is the general rule. गुड इवनिंग संयुक्ता. आयशा इज सिंह, मैम N5 है. यस, रक्षित राजपूत, हाय रक्षित. बेटा यू जस्ट मिस्ड, थोड़ा सा एक क्लास मिस हुआ है, ज्यादा नहीं. वी हैव जस्ट स्टार्टेड, सो वी आर डूइंग एलजेब्रा हियर टुडे. एंटायर एलजेब्रा चैप्टर वी विल कवर इन जस्ट वन सेशन, ओके? बट व्हेन आई एम सेइंग एंटायर चैप्टर, आई विल बी डिस्कसिंग, आई विल नॉट डिस्कस द क्वेश्चंस पार्ट प्रॉपरली, बट यस, हर टॉपिक पे हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. बट एंटायरली जब हम क्वेश्चन सीखेंगे, दैट विल बी डन ऑन वीकेंड. डोंट वरी, वो प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे. मुझे बहुत सारे गेसेस दिखाई दे रहे हैं. गेसेस तो बहुत अच्छे लगाते हो आप लोग. एन फाइव है, एन प्लस वन है, थ्री है, रूल्स बता रहे हैं सब. यस, नविका मैं बताती हूँ. क्वेश्चन ये था, स्क्वेयर्स बने हुए थे. लुक एट दिस, स्क्वेयर्स बने हुए हैं. अब हमसे पूछ रहे हैं, एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है. इस तरह की चीजों में जनरली एक पैटर्न होता है. यस, तो कितने स्टिक्स यूज हो रहे हैं टू मेक एन नंबर ऑफ स्क्वायर्स. ऐसी मैं हर बारी स्क्वायर इंक्रीज करती जाऊंगी. अभी फोर स्क्वायर है, फिर फाइव स्क्वायर हो जाएंगे, फिर सिक्स स्क्वायर्स हो जाएंगे, फिर सेवन, करते 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 100, 1000, 2000. तो कितनी मैथ स्टिक्स? अब आप इनको एक्चुअल काउंट करके तो नहीं बता सकते, बिकॉज यहां तो मैं काउंट कर सकती हूँ. नंबर्स आर स्मॉल, वॉट इफ द नंबर्स आर बिग? नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर मोर. ज्यादा स्क्वायर होंगे तो आप कैसे काउंट करेंगे? यस, सो इसके लिए अब एलेक्स को कुछ ध्यान आ रहा है, स्कूल में मैथ टीचर ने पढ़ाया था.
क्या पढ़ाया था, लेट्स सी दैट। अब एलेक्स ये सोच रहा है, अगर हम एक एल को ऑब्जर्व करें तो एक एल को फॉर्म करने के लिए कितनी मैचस्टिक्स यूज हो रही हैं? टू, करेक्ट। टू फॉर्म वन एल वी आर यूजिंग टू मैचस्टिक्स, राइट? यस सारंग, यू कैन आस्क बेटा जो भी डाउट है। अभिलाषा, यस बिल्कुल बिल्कुल टायरिंग होता है, बट सी फॉर मी आप लोगों को समझ आ रहा है, आप रेगुलरली क्लासेस के लिए आ रहे हैं, आपके लिए यूजफुल है, आपको लगता है यार जो यहाँ सेशंस हो रहे हैं, मैम जो करा रही हैं बहुत यूजफुल है, इसके बाद हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब समझ आ गया एकदम, राइट? एंड दैट्स इट, माय जॉब इज डन। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके बाद आई फॉरगेट एवरीथिंग। यस 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 सारंग, यू कैन आस्क स्टडी मटीरियल, जो भी डाउट है बेटा आप चैट में लिखिए, यू कैन आस्क। अच्छा एक बात बताओ, एक एल फॉर्म करने के लिए दो मैस्टिक्स यूज हो रही हैं, लेट्स सपोज अगर एक और L, इफ आई एड टू इट आई वुड रिक्वायर टू मोर मैचस्टिक्स, मतलब फोर मैचस्टिक्स यूज हो रही हैं। लेट्स सपोज हम इसके अंदर और थोड़े L ऐड करते हैं, एक L के लिए दो मैचस्टिक्स, करेक्ट? एक L फॉर्म करने के लिए दो मैचस्टिक्स, अगर दो L होते हैं तो चार मैचस्टिक्स, अगर तीन L होते हैं तो सिक्स मैचस्टिक्स, मतलब एक तरह का कुछ पैटर्न सा फॉलो हो रहा है। इफ यू ऑब्जर्व पैटर्न क्या है, लेट्स सी दैट, इसको मैं थोड़ा सा इसका क्रक्स देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, अगर एल आपको एक बनाना है, इफ यू वांट टू फॉर्म ओनली वन एल, हाउ मेनी मैचस्टिक्स डू यू रिक्वायर, कितने मैचस्टिक्स चाहिए आपको? टू मैचस्टिक्स। अगर आप दो एल बनाते हैं लाइक दिस, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, दो एल बनाने के लिए कितने मैचस्टिक्स चाहिए? फोर मैचस्टिक्स। अगर आप थ्री एल बनाते हैं तो कितने मैचस्टिक्स चाहिए आपको? सिक्स। अगर आप चार एल बनाते हैं, फोर एल बनाने के लिए कितने चाहिए? यू वुड रिक्वायर एट मैचस्टिक्स। एंड इफ यू वांट टू फॉर्म फाइव एल्स यू वुड रिक्वायर टेन मैचस्टिक्स। अभी कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? वाओ दैट्स ग्रेट उज्ज्वल, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। यस मैम इट इज द टेबल ऑफ टू, वेरी नाइस मायशा, नविका, यस यस यस। सो बहुत क्लोज है आप आंसर के, यू हैव गेस्ड इट। अभी व्हाट इज अलजेब्रा मैं उस पर आऊंगी, एग्जैक्टली स्टडी मटेरियल, आई विल कम टू दैट, राइट? दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस स्टोरी लाइन, कि आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग वे में ज्यादा बेटर समझ आएगा। ओके ओके रक्षित, येलो इज नॉट विजिबल, अच्छा रेड यूज करूं, रेड विजिबल है, रेड इज विजिबल, फटाफट से बताओ चैट में। यस रेड विजिबल है सारंग, क्या नहीं होता? यस रेड इज विजिबल, वाओ दैट्स ग्रेट आस्था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेटा क्या डाउट सारंग? क्वेश्चन दोबारा यू विल हैव टू टाइप। यस आयशा, ज्यादा स्टूडेंट्स बट लाइक्स कम, दिस इज नॉट फेयर। अगर आपको लगता है सेशन इंटरेस्टिंग है, एलजेब्रा पढ़ने का एक और बेटर इंटरेस्टिंग तरीका हम लेकर आए हैं, फटाफट से लाइक करो सेशन को, आई कैन सी हियर, यार मैम के हाथ में भी फोन है, कम ऑन जल्दी से, इफ यू फील कि बहुत इंटरेस्टिंग है सेशन और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इंटायर चैप्टर समझ आ जाएगा, राइट? स्कूल में मैम भी कराती हैं तो मैम कुछ क्लासेस लेती हैं ना एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, बट आपको वन गो में इंटायर चैप्टर समझ आएगा। जल्दी से फटाफट से लाइक भी करो, आई कैन सी हियर कितने स्टूडेंट्स लाइक भी कर रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं कि मैम। यस 100 लाइक्स फॉर एलेक्स तो बनते हैं, एलेक्स इज सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, नहीं? यस देन फॉर 6 12 मैचेस, व्हाट एल्स? बिल्कुल होती है सारंग, एट्थ क्लास होती है बेटा, बिल्कुल है, आज भी है, बिल्कुल होती है एट्थ क्लासेस, इनफैक्ट वीकेंड्स पे भी क्लासेस होती हैं। यस टेंथ का सेशन बिल्कुल होता है। अरे एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, जब आप ये क्लासेस को लेके कंफ्यूजन होता है कि ये वाली क्लास कब होती है, ये वाली क्लास कब होती है, सारंग या जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, जस्ट वन क्वेश्चन, आप लोग के पास नोटिफिकेशन आते हैं, सेशंस के नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत दिन से नहीं आई, अरे आर यू मिसिंग द क्लास, बहुत दिन से नहीं आई, वीकेंड पे है सारंग, यू आर फ्रॉम ग्रेड 8, वीकेंड पे सैटरडे को 12 बजे वी हैव अ क्लास एट 12 o'clock। यस यस थैंक यू अभिलाषा राव, वाओ यस वाओ थैंक यू कृष्णा मूर्ति, but I'm glad that you all are liking the sessions, you all find them useful. Yes wow wow Sanjana Devi, that's very nice, that's great. Maisha first class, yes please, new students please subscribe kariye channel ko, you have pressed the bell icon na for notifications, so you are getting notifications, right? 7th class hai beta, aaj hi hai सबको आ रहे हैं ना notifications, 8th का session Saturday को we are having a class session for grade 8 also, ग्रेड 8 का, यस आज भी है, सैटरडे को भी है।
सी, अगर आप चैनल पे जाएंगे 6 to 8 पे, वहां पर यू कैन सी अ कम्युनिटी पोस्ट, राइट? अभी अगर आप यूट्यूब भी चेक करें, आपको सारे सेशंस वहीं दिख जाएंगे. यू कैन जस्ट चेक बायजूस 6 to 8 के चैनल पे आज कौन कौन से सेशंस हैं. एवरी डे यू कैन चेक इट, कौन कौन से सेशन की क्या क्या टाइमिंग्स हैं. यस, चले आगे. चलो चलो चलो. यस एवरीवन, ये क्लियर है सबको? एक एल फॉर्म करने के लिए एवरी टाइम डबल हो रहा है नंबर, सो वी कैन फिगर आउट समथिंग फ्रॉम हियर. क्या समझ आता है यहां से? जब मेरे को एक एल फॉर्म करना है तो दो मैचस्टिक्स यूज होती हैं, दो एल फॉर्म करने हैं तो चार मैचस्टिक यूज होती हैं, तीन फॉर्म करने हैं तो 6 मैचस्टिक्स यूज होती हैं. इसका मतलब ऐसी अगर मैं एल बढ़ाती जाऊं, मान लो मुझे लेट्स कंसिडर दिस, मुझे 100 एल फॉर्म करने हैं. नाउ कैन यू टेल मी कितने मैचस्टिक्स यूज होंगे इफ आई वॉन्ट टू फॉर्म 100 एल्स? कम ऑन क्विकली. See, ध्यान दोगे, if you will write, if you are listening to each and every word what I am saying, trust me, ये chapter बहुत beautifully समझ आएगा आपको. 200, very nice, very nice. Yes, right? 200, इसी को मैं एक generalized manner में लिख रही हूँ. Who asked me, ma'am, what is algebra? किसने पूछा था? Study material, I think you asked that. Number of matchsticks required to form n L's. अभी n कुछ भी हो सकता है. It can be 100. It can be 200, it can be 1500, it can be 1 lakh, कितने भी एल्स हो सकते हैं. सो अगर n एल्स फॉर्म करने के लिए कितने मैचस्टिक्स चाहिए होंगे? डबल द नंबर ऑफ एल्स, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ n. एंड वॉट इज n हियर? वॉट इज n हियर? n इज बेसिकली अ वेरिएबल. n इज वॉट? n इज अ वेरिएबल हियर, जिसकी वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, बार बार ये चेंज हो सकती है. कभी ये 100 होगी, कभी ये 5 होगी. पॉजिटिव नंबर एवरी टाइम, राइट? बिकॉज नंबर ऑफ एल्स तो नेगेटिव में नहीं जा सकते. इट कैन बी 250, इट कैन बी 1 lakh, इट कैन बी 2 lakh, इट कैन बी एनीथिंग. करेक्ट, इनफाइनाइट. यस, थैंक यू सारम, थैंक यू. रेडी फॉर द एग्जाम? अरे वाह उज्ज्वल, दैट्स ग्रेट. मेरी मैजिकल बॉटल इज हियर ओनली, ये कहाँ जा सकती है? You know that entire session में when we are talking a lot, when we are speaking a lot, we would require this magical bottle or pen भी है यार. Yes, registered for Anthe, that's great. I hope सबने Anthe के लिए register किया है. नहीं किया है तो description में उसका link है, please do that. मैं आपको कभी भी गलत चीज़ के लिए I will never guide you. That's very nice, that's very nice. पेन नहीं मिल सकता बेटा, पेन नहीं मिल सकता. ये इट्स अ मैजिकल पेन. ये क्लियर है? ये वेरिएबल जो आप मुझसे पूछ रहे थे, मैम अल्जेब्रा क्या है? अल्जेब्रा इज अबाउट जिसमें आपके नंबर्स आते हैं, आपके वेरिएबल्स आते हैं. दिस इज द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ अल्जेब्रा, आई वुड से. यस, वेरिएबल कैन हैव वेरिंग वैल्यूज. थैंक यू स्टडी मटीरियल, कॉन्ग्रेचुलेशंस. यस अंधु यादव, एंथे इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, बिल्कुल भी चार्जेबल नहीं है. गो फॉर इट विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट. Yes, Sam Trickster is saying, ma'am, n stands for natural numbers, isn't it? Yes, of course, n stands for natural numbers. But अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं number of l's की. अब ऐसा नहीं है बेटा, maths में मैं n को सिर्फ natural number के लिए ही use कर सकती हूँ. वो variable है, right? मैं उसको, मैं यहाँ पे n लिखूँ, मैं s लिखूँ, x लिखूँ, can be anything. Variable का वो, वो जो variable है, वो जो letter है, वो fixed नहीं रहेगा. That is okay. Yes, numbers fixed रहते हैं, variable का value keeps on changing. Absolutely usual, go for it without giving a second thought. Wow, that's great Krishnamurti, that's very nice. Congratulations. Yes, n is a variable. Susie Devil, absolutely. Yes, Rishamdeep Kaur, congratulations. Thank you. All right, ठीक है, ये clear है, let's move ahead. अब matchsticks pattern की अगर हम बात कर रहे हैं, think about it. हमने क्या बात की थी? टेक अ लुक एट दिस. लेट सपोज यहां पर मेरे पास क्या है, ये ई है. एक ई फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म वन ई, हाउ मेनी मैचस्टिक्स डू वी रिक्वायर? काउंट दिस, 1 2 3 4 5. 5 मैचस्टिक्स यूज हो रही हैं. लेट सपोज मुझे दो ई फॉर्म करने हैं, कितने मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड होंगे? ऑब्वियसली इसमें 5, इसमें भी 5, इट्स गोइंग टू बी 10. लेट सपोज मुझे 3 ई फॉर्म करने हैं, हाउ मेनी मैचस्टिक्स एम आई गोइंग टू यूज? 15 matchsticks, right? And let's suppose 4E form करने हैं, तो कितने matchsticks use हो रहे हैं? 20 matchsticks. So यहां से एक pattern समझ में आता है. अगर number of E's आपके पास 1 है, तो कितनी number of matchsticks चाहिए? 5. अगर 2E form करने हैं, तो कितनी matchsticks चाहिए? You would require 10 matchsticks. If I want to form 3E's, then I would require 15 matchsticks. If I want to form 4E's, it's going to be 20. And if I want to form, अब हम generalized way में बात करेंगे. If I want to form n E's, this n can be
anything. Anything means not a negative number, not zero. It will be positive numbers only, like 1, 2, 3, 4, so on. Yes, infinite tak, so on. So, kya aega? Yes, 5n. Very good. Who said table of 5? Tamali Mukherjee. Yes, 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 yes. Absolutely right. It's going to be table of 5. Right. Clear hai sabko? Is it clear? Yes, everyone. Come on, thumbs up, smileys. Thumbs up, smileys. What else? Or likes. This is not right. Ye bilkul sahi baat nahi hai. Honestly, this is not fair, yaar. Itna interesting session lekar aaye hain. Algebra. I am pretty sure आपको कभी किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा, right? Not even in your schools. फटाफट से, if you are enjoying the session, you are liking it, जल्दी से. फटाफट से, I want to see likes यहाँ पे. जिनको genuinely लग रहा है session अच्छा, right? जिनको genuinely लगता है session अच्छा है, useful है, we are able to understand everything in a better way, फटाफट से. Hey Shani, honestly Shani, I was just about to ask you this thing because I remembered Tamali is not your actual name. But I actually forgot your actual name. Thank you Ananya. Rank is 9. Don't worry Sarang, it's fine. See, don't run after ranks. But yes, we have to keep trying for making things better. Right? Arre wa, school mein Baijus ke hi notes use hote hain. It's very nice. But you see, अगर स्कूल में बाइजूस के notes use होते हैं, तो you can understand this thing, how good our notes are, right? कि आपका स्कूल ही वही use कर रहा है. Susan, Shashank Tiwari, Susan, Shashank Tiwari, Sunshine, Anvi and Avika, Susan. ये सब students मैं first time देख रही हूँ अपनी class में. I don't know बेटा, आप class में first time आए हैं math की. और if you are new to the channel, please subscribe करिए and hit the bell icon also. So that आपको ये sessions के notifications आते रहेंगे, you will not be missing on any of the things. Yes Ananya beta, you can ask, जो भी doubt है. Yes. So Anvi, there must be some reason. Yes. Susan, old student, अच्छा. No Vargis Varki, you are not new. You are not new. इतना तो मैम को याद रहता है. Harini. Yes. 74, अरे कोई बात नहीं Jyoti, it's okay, चलते रहता है, up and down चलते रहता है. Right? Quickly everyone, jitne bhi, yes Aisha, of course I remember, Pratiksha. Jo students regularly aate hain, beta, wo yaad rehte hain. Ye clear hai sabko. Chaliye, aage chalte hain. Iska matlab, the number of matchsticks required to form NEs is 5N. Every time ye pata chal raha hai ki, table of 5 we are following. So now we can help Alex for level 1, right? Level 1 hum crack kar sakte hain. You see, yahan pe, to form one square, we are using how many matchsticks? To form one square, we are using 4 matchsticks, right? To form 2 squares, how many matchsticks? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 matchsticks we are using. To form 3 squares, how many matchsticks we are using? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We are using 10 matchsticks. And to form 4 squares, how many matchsticks? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. We are using 13 matchsticks. Ab kaun sa table follow ho raha hai? Meko to hi koi table samajh mein nahi aa raha. And this way, if we keep going on, if we keep adding one square every time, the number of matchsticks will vary, right? It will change, it will increase. Toh wo general rule kya follow ho raha hai? Come on, let me see ab kaun crack karta hai. 4N toh ho nahi sakta. Akka lucky, S Nagendra, 4N kaise ho sakta hai? Reason is, 4N ka matlab ho gaya, अगर n 1 है, let's suppose, अगर n 1 है, तो answer would be 4, चलो चलेगा, अगर n 2 है, तो answer would be 8, but this is 7, right, ये तो follow नहीं हो रहा, 4n तो नहीं है for sure, come on, yes, every time it is increasing by 3, n plus 3 नहीं हो सकता, because n plus 3 इसलिए नहीं हो सकता, think about this, आप कह रहे हो n plus 3, how is it possible, अगर number of squares 2 हैं, so 2 plus 3 करने पर 5 आ रहा है, but number of matchsticks are 7, n plus 3 भी valid नहीं है, think about it. Come on. I want to see कौन guess कर सकता है. फटाफट से guess करो क्या आएगा. Very nice. Very nice. Akka lucky. Very nice. 3N plus 1. Wow. 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 That's amazing. You guessed it right. 3N plus 1. देखो जो आप ले रहे हो ना general rule, it has to be valid on each one of them. सब पर valid होना चाहिए. Yes, Maisha. Right. बेटा because, अच्छा, Navika is saying, ma'am, 5N क्यों लिखते हैं? बस 5 क्यों नहीं लिख देते? जैसे हमने पिछले वाले में देखा, सिर्फ 5 क्यों नहीं? Because आप सोचो, ये 5 है. ये 5 अपने आप में कोई रूल नहीं है बेटा. It's just a number, right? जैसे प्रीवियस स्लाइड में एक E बनाने के लिए मैंने कहा 5 matchsticks यूज होती हैं.
अगर मैं दो ई बनाऊंगी तो कितनी मैथस्टिक चीज हो रही है, 10। तो 5 सबको स्पेसिफाई नहीं कर सकता, सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दैट इज वाई 5n, n मतलब नंबर ऑफ ईज, n मतलब नंबर ऑफ ईज। अगर मैं इस n को 1 रखती हूं तो 5 आता है, नंबर ऑफ ईज 2 होते हैं तो मैं n को 2 रखती हूं तो 10 आता है, नंबर ऑफ ईज 3 होते हैं तो मैं n को 3 रखती हूं तो 15 आता है। दिस इज द रीजन नाविका। यस 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 यस, ओके, हिंदी, गॉट इट। Here n is basically, yes, it's basically a variable. We won't say it's a multiple. We would say n is a variable whose value keeps changing. Right? Sarang, this is what algebra is. Algebra is basically a family which involves variables. It involves numbers also. It has constants, coefficients. Right? Yes. Is it clear? Everyone, is this clear? Come on. Come on, I want thumbs up smileys from each one of you in the chat and likes bhi if you are enjoying the session. Sab kuch samajh aa raha hai toh, likes bhi. 3n plus 1 is going to be valid on each one of them. Because see, if n is 2, let's put 2 here. So 3 times 2 plus 1, what do you get? 6 plus 1, that's 7. If n is 3, that's going to be 3 times 3 plus 1, that's going to be what? 9 plus 1, that's 10. Right? It is valid on each of these cases. Yes, it's a game. Now let's move ahead. Ek question try karte hain. Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets in n number of rows? So you can see the cadets are marching in rows, right? Rows are marching kar rahe hain. And it says there are 5 cadets in a row. Ek row mein 5 cadets hain. In every row. 5, 5, 5, 5. Like this. So what is the rule which gives us the number of cadets in n number of rows? अगर मान लीजिए rows यहाँ पर n है, अभी तो आपको यहाँ पे कितनी rows दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते n number of rows हैं, तो कितने cadets होंगे? Yes, very nice. It's going to be 5n, absolutely. So you all have understood. Great, Rishamdeep Kaur, yes, Susan, easy peasy. चलिए, let's move ahead. Now we have a poll question. Come on everyone, try this out. इसका answer आपको chat में देना है. Find the general rule that gives the number of matchsticks in terms of the number of triangles. अब ये triangle बने में, first triangle में 3 matchsticks, ऐसे इसके अंदर आप count करो 1, 2, 3, 4, 5 matchsticks, ऐसे इसके अंदर count करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchsticks, like this. आपको general rule बताना है जो इन सब पर valid है. Just like हमने level 1 के लिए figure out किया. Yes. Come on, you give your answers in the chat. अरे, very good in algebra. Yes, Ujjwal. Agree with it. Completely agree. एंड स्टूडेंट्स, इनको समझ आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है सेशन. कोसू गेमर, येस प्लीज, जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. शुभ, एवरीवन सब्सक्राइब करना, निकिता सहदेव सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन अगर समझ आ रहा है तो. येस नविका, आई कैन सी आंसर्स. पीपल आर सेइंग इट्स गोइंग टू बी 2n plus 1, 3n plus 1 है. वो तो 3n plus 1 है. फटाफट से अपने आंसर बताओ क्या आ रहा है. 2n plus 1, 3n भी है. 3n कैसे बन सकता है? If you see, 3n तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 का टेबल ये चल नहीं रहा. ये तो हो नहीं सकता. This is not possible. 3n plus 1 भी करूँगी तो भी 3 to the 6 plus 1 7 होता है. पर यहाँ 5 है. ये भी नहीं हो सकता. 2n को सोचो. 2n क्या होता है? 2n मतलब 2 का टेबल. 2 1s are 2, plus 1 करूँगी 3 आएगा. 2 2s are 4, plus 1 करूँगी 5 आएगा. 2 3s are 6, plus 1 करूंगी 7 आएगा. So that means 2n plus 1, ये valid है. Option D, that's the right answer. Yes, 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 absolutely. I can see in the chat. चलिए, let's move ahead. So level 1, ये door तो lock unlock हो गया. Level 2, अब इसको unlock करना है. चलो, let's see that. Level 2 है, express the statement as an algebraic expression की form में लिखना है. To cross a bridge, a number x added to 3. इसको आपको एक algebraic expression की form में लिखना है, क्योंकि Alex को क्या करना है, ये bridge cross करना है, right? ये bridge ऐसे तो jump करके cross हो नहीं जाएगा, right? So ये expression क्या होगा? Let's understand this. When we say expression, पहले तो variable समझते हैं. हमें पता है ये variable क्या है. Like हमने n use करा, right? Yes, level 2. Variable क्या है? अब देखिए arithmetic क्या होता है. Arithmetic is about numbers. जब हम कहते हैं 4 added to 3, तो आप लिखते हो 4 plus 3. मेक सेंस? मैं एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रही हूं. 4 added to 3 means 4 plus 3. बट इफ आई से अ नंबर added to 3,
इट कैन बी एनीथिंग. वो नंबर एक्स हो सकता है, ए हो सकता है, बी सी डी, इट कैन बी एनीथिंग. एन प्लस थ्री, दिस इज वॉट, दिस इज एलजेब्रा. एलजेब्रा इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स. नंबर्स भी होंगे, कॉन्स्टेंट्स भी होंगे, बट वेरिएबल भी होंगे. दिस इज एलजेब्रा. ये फर्क है आपके अरिथमेटिक में और एलजेब्रा में. आई होप अब क्लैरिटी है, अब क्लैरिटी है सबको, राइट? क्या मतलब है? मोना, x प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू थ्री एक्स. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि x प्लस थ्री थ्री एक्स के इक्वल ही होगा. यस, हाय तेजू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन होगा. यस, बिल्कुल एस नागेंद्रा, राइट? सुकांति, क्या डिफरेंस है ज्योति? अरिथमेटिक में नंबर्स होंगे सिर्फ, लाइक फोर एडिड टू थ्री. लेकिन इसी बात को एल्जेब्रा में कैसे लिखा? अ नंबर एडिड टू थ्री. अ नंबर कुड बी एनी थिंग, इट कुड बी एनी थिंग. सो हमने ले लिया एन प्लस थ्री, दिस इज द डिफरेंस. सो क्या होता है ये वेरिएबल? होता क्या है? हमने पीछे भी देखा क्या होता है. इट्स बेसिकली एन एंटिटी जो कि वेरी करती है, मतलब चेंज हो जाती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है और वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं रहती, बार बार कुछ भी चेंज हो जाती है. नंबर एडिड टू थ्री तो कुछ भी हो सकता है बेटा, ये वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री फोर फाइव, इट कैन बी एनी थिंग, एन कुछ भी हो सकता है. यस, आदित्य चौहान इज सेइंग, मैम x प्लस थ्री और थ्री प्लस x इज सेम. यस, दे आर एब्सोल्युटली सेम, बिल्कुल. यस, दे डोंट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, राइट? चलिए लेट्स मूव अहेड. सो वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. सो x एडिड टू थ्री, अब कैसे लिखेंगे इसको? कम ऑन. यस कोसु गेमर, यू आर राइट. x एडिड टू थ्री इज x प्लस थ्री, दैट्स वॉट x एडिड टू थ्री इज. So, ये आंसर करेक्ट है. यू कैन सी द ब्रिज हैज बीन फॉर्म्ड, यू कैन सी नाउ एलेलिक्स कैन क्रॉस द ब्रिज इजिली, राइट? यस, जस्ट लाइक यस कॉम्यूटेटिव वन. यस 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 कृष्णा मूर्ति, राइट? यस हरिनी, हरिनी क्लियर, राइट? तो x प्लस थ्री इज द आंसर, x एडेड टू थ्री, नाउ ही कैन क्रॉस द ब्रिज. नाउ लेट्स ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, कम ऑन एवरी वन. We have understood what an expression is. We have understood what a variable is. Now let's try out this. This is match the following. You can see four statements over here. You have to match them with the correct expression. 3 times y added to 13. 3 times y. Aise questions mein what we have to do? Simply aap usko literal translation kariye. Word by word translation. Yes. 3 times y. Times means multiply. So 3 times y is 3y. Added to 13, इसको हमने 13 में ऐड कर दिया. सो वट डू वी गेट? 3y प्लस 13. सो हियर दिस इज द आंसर. इज दिस क्लियर? यस, आई कुड सी आंसर्स इन द चैट. ए इज विद एस. 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स y. 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 8 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 5 टाइम्स y में से. 5 टाइम्स y मतलब 5y, उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो सिंपली आई विल मैच इट हियर विद p. यस, लेट मी सी आंसर्स. एब्सोल्युटली कोसु गेमर, अरुणा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल. लेट्स मूव अहेड. 5 रिड्यूस फ्रॉम 3 टाइम्स x. 3 टाइम्स x क्या है? 3 टाइम्स x इज 3x. 5 रिड्यूस्ड फ्रॉम, इसमें से 5 को रिड्यूस करना है, माइनस करना है, दैट्स 3x माइनस 5. सो दिस इज द आंसर. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज दिस 5 एडेड टू डबल ऑफ x. व्हाट इज डबल ऑफ x? डबल ऑफ x इज 2x. 5 एडेड टू दिस, इसमें 5 ऐड करना है. सो दिस इज द आंसर. सिंपल. Now we all understand, right? Now we all understand what algebra is, right? What does it mean? But please, अगर सब कुछ समझ आ रहा है जिन्होंने algebra पहले नहीं पढ़ा था या पढ़ा भी था, now you are able to understand things better. Like तो बनता है इस बात पे, right? Thank you, Kosu Gamer. See, my only motive is whomsoever is coming for my class, when you leave this class, everything, whatever we have learned here, should be crystal clear in your minds. Yes? Yes, study material, you can ask. What if it is triple of x? So we will write 3x. Yes, Navika, triple of x matlab 3x. Yes, S Nagendra, pata hai hame. Yes, study material, you can ask. Thank you, Neelam Singh. Thank you. x2, 2x. Same hai, Jyoti, but we never write this way, x2. Hum hamesha number ko pehle likhte hain, variable se. Right? बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल. दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उज्जवल, दिस इज एलजेब्रा. पहली बार हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं. थैंक यू नीलम शर्मा. एलजेब्रा के एक्सप्रेशन क्या है? ये सब एक्सप्रेशन है इंदू, ये सब एक्सप्रेशन है. एलजेब्रा के एक्सप्रेशन है विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स, दिस इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो, राइट? दिस इन्वॉल्व्स दीज ऑपरेटर्स एज वेल, माइनस प्लस मल्टीप्लाई, ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, इसे हम एलजेब्रा के एक्सप्रेशन कहते हैं. नविका, इस पर हम आ ही रहे हैं, क्लियर?
Alankriti Singh. Alankriti. Bhool jaungi, so you will have to remind me again. Chali, let's move ahead. Let's try out this question. If the size of an equilateral triangle is denoted by A, A se denote kar rahe hum sare sides ko. You can see here. Theek hai? Express the perimeter of the triangle in terms of A. Aapko sirf triangle ka perimeter batana hai. Obviously, sides A hai, to A ki terms mein hi answer aayega. Come on. Sabko pata equilateral triangle ka perimeter kaise nikalte hai. Fatafat se answer batao. Final answer kya aayega? I want to see. Everybody is saying CCC3A. Bilkul, bilkul. Because perimeter kya hota hai? 3 times side. Equilateral triangle ka yehi hota hai perimeter. So, yahan pe side kya hai? A. To, ye kya ban gaya? 3 times A is 3A. Jo mere se aap abhi keh rahe the, ma'am. 3 times X matlab 3X. Right? Clear? Great. Chali, let's move ahead. Another question. The length of a rectangular hall is 4 meter. Ye interesting hai. Thoda sa difficult bhi hai. Rectangular hall ki length. Ye mera rectangular hall hai. Ye iski length hai. Right? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है. इस 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल. व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज बी मीटर्स. ब्रेथ बी मीटर्स है तो लेंथ क्या आएगी. लेंथ इज, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तरीका बताती हूँ, पहले आप ट्राई कर लो. यस, वाओ शुभ, यू वॉन्ट टू गिव दिस अ ट्राई, बट दैट्स वेरी नाइस. यस, निशा चिन्नावुला प्रणवी, एवरीबडी सिंग्स. Now it seems easy. Yes, Aliza. Great, great. Yes, Kushagar. क्या करेंगे हम? अब length is, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ. आपका linear equations, word problem सब जगह valid है. Length of rectangular hall. पहले मैं length को क्या लिखूँगी? L. Is को कैसे decode करते हैं? इसको लिखते हैं equal to. Always. ये हमेशा work करेगा, याद रखना. 4 meter less than. 4 meter less है. मैं सिर्फ translation कर रही हूँ. I'm only doing word by word translation. 4 meter less than. 4 meter किससे less है? 3 times the breadth. 3 times breadth मतलब 3b minus 4. ये length आ रही है 3b minus 4. So option B, that's the right answer. ऐसे decode करते हैं word by word translate करके. Trust me, कोई भी word problem आ जाए, you will be able to do it. मैं अपने school time में भी यही करती थी, college में भी यही करती थी, अभी भी यही कर रही हूँ. Right? 3b minus 4. Yes. Susan, Indu, Jyoti, Shubh. बिल्कुल. Nihal, Panchal, new. मजा आ रहा है क्लास में, सब समझ आ रहा है. यस निहाल, यस नविका. क्या किया है हमने? हमें लेंथ दी हुई है एल, हमें ब्रेथ दी हुई है बी. क्वेश्चन सेज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज, तो पहले लेंथ को लिखो. इज दिया हुआ है, इसको लिखो इक्वल टू 4 मीटर लेस देन. लेस देन मतलब किसी से 4 मीटर लेस है, तो मैंने माइनस 4 किया. पर किससे लेस है? 3 टाइम्स द ब्रेथ. 3 टाइम्स द ब्रेथ से. सिर्फ उसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते रहो. यस, you have learned earlier. Yes, Harini, you will have to keep reminding me because we have mixed students. Some students want me to talk in Hindi, some want in English. So don't worry. I'll explain in both the languages, but you will have to remind me. Ki ma'am, please explain this in Hindi or explain this in English. Yes, Shaunak Sharma, Nihal. Yes. Please, jo bhi new students hai, Shaunak and Nihal, please subscribe kariye and bell icon ko bhi hit kariye. थैंक यू कोसु गेमर, थैंक यू. स्टडी मटेरियल सेम है, 4v v4. देखो दोनों का मतलब एक ही है. 4v means v times 4 times v, v4 means v times 4. दे बोथ आर करेक्ट, दे बोथ आर इक्वल. यस, बट हम जनरली जब लिखते हैं तो वी राइट दिस वे 4v. वी नेवर राइट v4. यू विल नेवर सी दिस रिटन इन दिस वे, बट दे बोथ मीन द सेम थिंग दो. बट द आइडियल करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज यू राइट द नंबर फर्स्ट एंड देन यू राइट द वेरिएबल. थैंक यू शौनक. Chinnavula, thank you, thank you. But ma'am, for the length is not given. Length is not given. Yes, of course, length is not given. Question says, you have to find out the length. So, I have assumed L. Will it be? No difference in the answer. Arey, 1996. Ah, smart. You want to know the age, right? Then, 1996 lagaya. Come on, everyone. Yes, coffee with K. That's also very fun. Pranavi. Okay, good. क्या करना है पहले, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा ना, फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दो. एंड सेकंड चीज, जिनको सेशन अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, सब समझ आ रहा है, आई कैन सी हियर, कम ऑन, मैम भी फोन पे देख रही हैं कि समझ आ रहा है या सिर्फ ऐसे ही कह रहे हो समझ आ रहा है, और थम्स अप स्माइलीज मिल रहे हैं कि लाइक भी कर रहे हो सेशन को जल्दी से. और किन्होंने अपने फ्रेंड्स को शेयर किया कि आज यहाँ पे एलजेब्रा पढ़ाने वाले हैं, कम ज्वाइन द सेशन. किसने किसने बताया? 100 लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं, फटाफट से 100 लाइक्स तो कर ही देते हैं. यस ऑफकोर्स शुभ, बिल्कुल है. कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी कभी चेंज होता है, बिल्कुल यूजफुल है. थैंक यू, थैंक यू ईशानी, नाविका, उज्ज्वल, थैंक यू एवरीवन.
ठीक है शुभ, क्लियर, आप कर सकते हो. नहीं ज्योति बेटा गलत है, कीप गेसिंग. ये तो जरूर नहीं करा, प्लीज फटाफट से लाइक, फटाफट से सब्सक्राइब. यस थैंक यू प्रणवी, थैंक यू हरिणी. चलिए लेट्स मूव अहेड. सो टू लेवल्स क्रॉस हो गए, मूविंग टू लेवल 3. ओके, लेवल 3 इज अ नंबर एक्स व्हेन एडेड टू 13 गिव्स 17. अब मैंने आपको डीकोड करना समझाया वर्ड बाय वर्ड. ओपन द डोर, तीन डोर्स हैं. ओपन द डोर विच शोज द इक्वेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट. व्हाट इज इक्वेशन? वी कैन सी इक्वल टू साइंस ओवर हियर. व्हाट इज इक्वेशन? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. इसमें से राइट जो करेक्ट वाला है उससे डोर ओपन होगा. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? पहले हम इक्वेशन समझते हैं, व्हाट एन इक्वेशन इज. हमने पढ़ा था एक एल्फ को फॉर्म करने के लिए दो मैचस्टिक्स यूज होती हैं, दो को फॉर्म करने के लिए चार यूज होती हैं, लाइक दिस. सो एन नंबर ऑफ एल्व्स होते हैं तो 2n मैचस्टिक्स यूज होती हैं, करेक्ट. अब इसी को इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन अदर वे अराउंड, राइट, हमने ये पढ़ा था. इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन अदर वे अराउंड, सो इट कुड बी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एल्व्स, हमने बोला 2n है, राइट. व्हाट इफ आई से हाउ मेनी एल्स आर फॉर्म्ड इफ द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज 10. अब क्वेश्चन मैंने ट्विस्ट कर दिया है, राइट, उसी को थोड़ा सा मोल्ड किया है. क्या कितने एल्स बनेंगे अगर नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हमारे पास 10 है, तो कितने एल बनेंगे? इसी बात को हमने अलग तरीके से बोला, राइट. यस, बिल्कुल यस, एब्सोल्युटली हरिणी. नंबर्स, वेरिएबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, यस. How many else will be formed? Yes, you are right. You are right, Pranavi. It's going to be 5. Right, Susan? Yes. So, we are thinking the same thing other way around. So, that's the difference. See, arithmetic equation. What is arithmetic equation first? 4 added to 3 gives. 4 added to 3 gives. Gives means equal to 7. Right? What is algebraic equation? What added to 3 gives 7? 3 mein kya add karu ki 7 aaye? What should I add to 3 so that I get 7? Let's suppose that number is n. N added to 3 gives 7. Gives means equal to. Aapko maths mein is dikh jaye, gives dikh jaye, they all mean equal to. So that means whenever we talk about an equation, equation mein equal to sign hoga. There will always be an equal to sign when we are talking about an equation. Expression mein equal to sign nahi hota. Yes, clear? Clear hai toh batao chat mein. Yes ma'am, clear. The difference is clear. What is an expression? What is an equation? Yes, Ananya, happy birthday. Wish you a great year ahead. You should be enjoying your day today. Class mein kya kar rahe ho bhai fir aaj? Yeah? Birthday wale din to bachche padhte hi nahi hai. Aaj to sawal hi paida nahi hota. But I must say you all are very sincere that you regularly show up for your classes, and I would say that's the biggest discipline. Clear? Yes, Nagendra. Sab kuch padh liya hai na, pehle ab bol dete hai, not clear. All right, chalo. So an equation is a mathematical statement, right, that establishes equality between the two expressions, right? Equal to sign, equality establish karega. Chalo, ab is question ko try karte hain. Translate each of the following statement into an equation using x as the variable. X variable hai, to hume ise convert karna equation mein. Now you all try this out and let me know in the chat. Jaldi se answers. Yes, everybody should be wishing Ananya. It's her birthday today. I know, S. Nagendra, you come for the classes regularly. Ab to bahut time ho gaya, to ma'am ko bhi pata chal jata hai. Srishti, yes. Kya aayega? 13 subtracted from. 13 ko subtract karna hai. Dekho, main kaise decode kar rahi hu usko word by word translate karke. From twice a number. Ab wo number kuch bhi ho sakta hai. Right? Twice a number. Let's suppose maine wo number le liya x. Kuch bhi le sakte ho aap. Kuch bhi le sakte ho, koi farak nahi padta. 13 subtracted from twice a number gives. Gives मतलब मैंने क्या बताया था अभी आपको? Equal to 3. Gives 3. ये gives से ज़्यादा ना, I mean ये equal to से ज़्यादा ये z लग रहा है. Right? तो हम इसको ठीक कर लेते हैं पहले. And this is equal to. 2x minus 13 is equals to 3. Yes. Yes, absolutely दिल मांगे more. Yes, अभी तो 86 हैं. फटाफट से 100 तो कर ही देना है. जल्दी. Come on everyone. 100 likes. Yes, Srishti, you can ask. Late join करा. आदित्य, 13 माइनस 2x इक्वल टू 3 नहीं हो सकता. 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यार प्रेपोजिशन पे ध्यान दो. प्रेपोजिशन समझते हो ना, राइट. फ्रॉम, 13 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर से. फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर से सब्ट्रैक्ट करो. ट्वाइस अ नंबर को 13 में सब्ट्रैक्ट करने को नहीं बोल रहा है, राइट आदित्य. आई होप दिस इज क्लियर.
चलेगा नविका, यू कैन यूज सी ऑल्सो. मैंने बताया अर्का, वाई नॉट 13 पहले क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन कह रहा है 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर. इट्स नॉट सेइंग ट्वाइस अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13. क्लियर है? यस yes. ये क्लियर है सृष्टि? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स बेटा हमने अल्जेब्रा की एक्सप्रेशन में किया है. ये अल्जेब्रा का है बस क्लास. दिस इज अल्जेब्रा. एलिजा बिकॉज इट सेज ट्वाइस अ नंबर. अब वो नंबर नहीं पता हमें क्या है, राइट? सो दैट्स व्हाई आई टुक ट्वाइस ऑफ एक्स. आप ए लेना चाहते हो, बी सी डी, यू कैन पिक अप एनी लेटर, डजंट मैटर. क्लियर अनन्या? वी डोंट हैव टू सॉल्व दिस बेटा, वी हैव टू लीव इट हियर. हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. टू थर्ड ऑफ अ नंबर. टू थर्ड कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, टू थर्ड, टू बाई थ्री. ऑफ का मतलब क्या होता है? इन टू, राइट? ऑफ अ नंबर, नंबर को मैं एक्स ले रही हूँ, मुझे एक्स बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऑफ अ नंबर. सो टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स मीन्स टू बाई थ्री एक्स. ओके, इज मैंने आपको बताया था इज क्या होता है? इक्वल टू 12. दैट्स इट. सिंपल है डीकोड करना, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं हम. नीचे एक्स नहीं आएगा कोसू गेमर, नहीं, नीचे एक्स नहीं आएगा. हम ऐसे लिख रहे हैं टू बाई थ्री ऑफ एक्स. तो एक्स बेटा ऊपर न्यूमिरेटर में होगा. टू इंटू एक्स इज टू एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू 12. डोंट राइट दिस बेटा, डोंट राइट दिस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. एक्स नीचे नहीं आएगा, एक्स ऊपर आएगा, राइट? सूजन कोसू गेमर, आई होप दिस इज क्लियर, राइट? क्लियर? यस, क्लियर सबको? अच्छा टाइप नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गॉट इट. ओके, नाइन एडेड टू ट्वाइस अ नंबर. नाइन एडेड टू, नाइन किसी में ऐड हो रहा है. किस में ऐड हो रहा है भाई? नाइन ऐड हो रहा है ट्वाइस अ नंबर. चलो ट्वाइस अ नंबर कर देते हैं. आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने एक्स लिया है. गिव्स मतलब इक्वल टू 13. सो आई विल राइट, आई विल राइट 13. दैट्स इट. बहुत सिंपल है अलजेब्रा तो. यस हरिनी, क्वेश्चन इज हियर बेटा. यस यस, ओके, यू वांटेड टू सी द क्वेश्चन. दिस कॉलम वन यू आर टॉकिंग अबाउट आई गेस, राइट? आई होप दिस इज क्लियर नाउ. यस एवरीवन, कम ऑन, आई वांट टू सी इन द चैट. यस ऑफ कोर्स, टू और सेशंस हैं अभी. वी कैन टेक एनी अल्फाबेट. यस सृष्टि, यू कैन टेक एनी अल्फाबेट, बिल्कुल. Notes, you want notes? Telegram pe, Telegram channel pe, you will get all the notes, all the PDFs of the sessions. But you will have to join that channel also. It's link is given in the description. Aap wahan se kar sakte hain. Yes, Maisha, great. This is clear. Chaliye, let's move ahead. Now we can help Alex. Now we can help Alex. Number X added to 13 gives 17. Kaun sa aayega? Fatafat batao. Door A, B, C. Number X added to 13. 13 में ऐड किया. सृष्टि, आई नो यू हैव ज्वाइंट. यस प्रणवी ज्वाइंट, ग्रेट. एक दिन में फुल चैप्टर खत्म, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी अलग सेशन में, डोंट वरी. आज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो सारे. मिलेगी अरुणा बेटा, आप ज्वाइन करो. यू विल गेट इट बाय टुडे और मे बी बाय टुमारो. मिल जाएगी आपको कल तक. सी, वाओ, सबको समझ आ गया. एक्स एडेड टू 13 गिव्स 17. यस, सी इज द आंसर. सो अब That's the right answer. Let's move ahead. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. हम जो एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि शायद ये बस बुक्स में है तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट. यू कैन सी दैट इट्स रूट्स ऑफ एल्जेब्रा, इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशियंट टाइम्स व्हेन बेबिलोनियंस वर देयर, 23 BC से 539 BC, एंड दे डेवलप्ड अ वेरी एडवांस्ड अरिथमेटिकल सिस्टम दैट एक्चुअली हेल्प देम इन डूइंग यू नो वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस मोर एफिशिएंटली. ये अब का नहीं है, एल्जेब्रा कब से है, राइट? क्लियर? यस शौनक, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू बेटा. यस, इट्स बेसिकली नविका, इट मींस कि अल्जेब्रा हम कब से पढ़ रहे हैं, कब से स्टार्ट हुआ था अल्जेब्रा. कोई मॉडर्न टाइम से नहीं था. मैजिकल वाटर, यू रिमाइंडेड मी, एक्चुअली वांटेड टू हैव दैट. सो लेवल 4, राइट? 3 लेवल्स क्रॉस कर ली, लेवल 4. ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस? द ब्रिज Set on fire. अरे now how Alex is going to cross it? It says input the solution to the equation. ये equation है, इसमें x का value put करो so that to put out the fire. कोई guess कर सकता है क्या होगा? Yes? नहीं stylish, menti नहीं है बेटा आज. कोई guess कर सकता है क्या होगा वो number? What that number is going to be? Yes, Asna Gendra. अरे पढ़ लिया है पहले. Yes, Ashani, Navika.
फायरमैन हियर, नाइस वन. ओके देखते हैं, x प्लस 13 इज इक्वल टू 17. गेस तो आपने कर ही लिया, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 13 को उधर ले जाते हैं. सो वेन एवर वी नो हम ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंजेस, पॉजिटिव 13 हो जाएगा, नेगेटिव 13, यू गेट 4. सो 4 इज गोइंग टू बी आर फाइनल आंसर, राइट. यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 4. यस, जैसे हमने 4 पुट करा, यू सी यहाँ से फायर ब्रिगेड ने अपना पाइप भेजा है और ये सारा का सारा बुझ गया. यस, इंटरेस्टिंग राइट. यस, ट्रांसपोजिशन मेथड. हरिनी, आदित्य, स्टडी मटेरियल, इज दिस क्लियर? आई एम श्योर आपने अपने स्कूल में भी इस तरह से एलजेब्रा नहीं पढ़ा होगा. एलजेब्रा इज गोइंग ऑन. चलो अब यू कैन हियर, यू कैन लर्न द एंटायर एलजेब्रा इन जस्ट वन गो. थैंक यू मायशा. Fargon, yes. All right. Yes, please like the video also. If you find it useful, आपको लगता है कितने interesting way से हमने algebra पढ़ा है. चलिए, if 7x plus 4 is equal to 25, then the value of x is. अगर 7x plus 4 25 है, तो x का value क्या है? फटाफट से quickly. Try this out, tell me. अब सबको पता है, transposition method से मिल जाएगा. Thank you, Nikita. Yes, study material. कुछ नहीं बेटा, ट्रांसपोज करो. एक और क्वेश्चन आया है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करो. थैंक यू वर्षिता. इफ यू ऑल आर लाइकिंग द सेशन, प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, अपनी सोसाइटी में या जिनको भी आपको लगता है कि ये उनके लिए यूजफुल हो सकता है, बिकॉज ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है. वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, राइट, बट वी आर गिविंग यू ईच एंड एवरीथिंग हियर. आई थिंक मोर देन वॉट यू लर्न इन स्कूल्स, मोर देन वॉट यू लर्न इन योर ट्यूशंस. थ्री, राइट. चलिए देखते हैं, 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 25. हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल वाला चीज जो होता है उसको नहीं छेड़ना है, पहले नंबर्स को एक साइड करो. ओके, पहले नंबर्स को. सो 25 माइनस 4 कितना आएगा, 21. अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड. हमेशा ऑपोजिट मैथमेटिकल ऑपरेशन लगता है. 21 अपॉन 7 कैंसिल आउट होके आ गया 3. सो 3 इज द वैल्यू, ऑप्शन सी, दैट्स द राइट आंसर. स्टडी मटीरियल, आई होप इट्स क्लियर नाउ. यस, क्लियर. शौनक बेटा, पोल वैसे नहीं है, आपको आंसर चैट में देना है. एस नगेंद्र, यू आर द फर्स्ट वन. अरे वाह, कोई बात नहीं सृष्टि, इट्स ओके, रिकॉर्डेड सेशन तो तब भी होता है. अरमजा, यस नविका, हाउ डू वी नो इट्स मल्टीप्लाइंग? बेटा जब भी आप ऐसे लिखते हो 7x, इट मीन्स 7 टाइम्स x, राइट, इट मीन्स 7 टाइम्स x, इसलिए हमेशा मल्टीप्लीकेशन है, कोई और मैथमेटिकल ऑपरेटर हो नहीं सकता. लेट्स सपोज अगर ऐसे लिखा होता अपॉन में, इट मीन्स x डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, ऐसे पता चलता है. यस, मैजिकल वाटर. क्लियर, चले आगे. चलिए, ये हो गया, कितने लेवल्स हो गए हमारे, 4 लेवल्स. नाउ लास्ट लेवल है, उसके बाद ट्रेजर मिल जाएगा इसको. अरे वाह, चलो लेट्स सी दैट. इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ m टू गेट द ट्रेजर. m का वैल्यू चाहिए, राइट, तभी ओपन हो सकता है. 5 एडेड टू 3 टाइम्स m इज इक्वल टू 14. यू नो व्हाट एलेक्स, मेरे स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं, इनको सब समझ आ चुका है कैसे इक्वेशन बनती है और कैसे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू, राइट. यस सैम ट्रिक्स्टर, हमें भी क्या, हमें भी, सॉरी आई मिस द प्रीवियस चार्ट आई थिंक. अच्छा, ये m का वैल्यू निकालना है, लेट्स फाइंड दिस आउट. फर्स्ट m का वैल्यू क्या आएगा, 5 एडेड टू, 5 किस में ऐड करना है, 3 टाइम्स m, 3 टाइम्स m हमें पता है ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, 14. अरे वाह, सिर्फ वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करके वी कैन फॉर्म द इक्वेशन. यस नविका, 3 इंटू 3 इक्वल टू, नविका इक्वेशन, बेटा इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन फर्स्ट. सो ये क्या आएगा, 3m इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5, ट्रांसपोज मेथड अगेन. सो ये क्या बनेगा, 3m इज इक्वल्स टू 9. ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, राइट. सो नीचे जाके क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, ऑपोजिट ऑपरेशन लगाते हैं, दैट्स गोइंग टू बी 3. सो m इज 3 हियर, दैट्स द आंसर. आई कुड सी इन द चैट, सब पहले लिख रहे हैं 3 3 3. मैम व्हाई डिड वी ओनली टेक दैट नंबर द अदर साइड, रीजन बीइंग बेटा क्योंकि हम इसको, अगर ये सिर्फ 3m इक्वल टू 14 होता, लेट्स से, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम सीधा ऑपरेशन लगा के इसको 14 बाय 3 लिखते. बट क्वेश्चन वॉज नॉट दिस थिंग, इसके साथ अगर कुछ भी लिखा हुआ है, लेट्स सपोज प्लस 5 है या माइनस 5 है, पहले हम कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करते हैं, उनको अलग करते हैं, ये रीजन है, सबसे पहले यही करना है.
Alright, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. सॉल्व द रिडल, यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 12. रिडल है, यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 12. 12 में से मुझे माइनस करोगे तो वापस से मैं ही मिलूंगा. कौन सा नंबर है यार ये ऐसा कि मुझे माइनस करोगे वापस से यू विल गेट द सेम नंबर. कम ऑन हरिणी, एस नागेंद्रा, सनशाइन, यस सृष्टि, व्हाट रिक्वेस्ट. अरे यस, जीरो. पर 12 में से जीरो माइनस करूंगी तो 12 मिलेगा ना. रिडल है, यू विल गेट मी बैक इफ यू सब्ट्रैक्ट मी आउट ऑफ 12. 12 में से क्या माइनस करूं वापस वही मिल जाए. यस, हु इज दिस? अलिजा, अलिजा माइशा. यस, यू आर राइट, इट्स गोइंग टू बी 6. अच्छा, ये पता है तुम लोग ये रिडल सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, पहले मैंने बताई है तो यू आर एबल टू गेस इट. एवरीबडी वॉज सेइंग 0 0 0. जीरो कैसे आ सकता है या अक्षिता, सुकू, नाविका, एवरीवन, स्टडी मटीरियल ग्रेट, माने अजित. अच्छा, कुछ न्यू नेम्स दिख रहे हैं मुझे. फटाफट से न्यू स्टूडेंट्स, प्लीज फर्स्ट सब्सक्राइब, लाइक भी करो वीडियो को. अभी मुझे ना सिर्फ 92 लाइक्स दिख रहे हैं. 100 तो आराम से होने चाहिए ना यार. कोएफिशिएंट, यस ऑफ कोर्स, कोएफिशिएंट यही है प्रीवियस स्लाइड में. कोएफिशिएंट देखो, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ बेटा, जस्ट साथ जो भी लिखा होता है वो कोएफिशिएंट है. ये कॉन्स्टेंट है, प्लस 5 अकेला लिखा है, ये भी कॉन्स्टेंट है. ठीक है सृष्टि, इज दैट क्लियर? यस सुजन, दोबारा से बताऊं क्वेश्चन. यू विल गेट मी बैक, मैं वापस मिलूंगा, इफ यू टेक मी आउट ऑफ 12. अगर आप मुझे 12 में से माइनस करते हो, 12 में से मुझे माइनस करो, मैं वापस मिलूंगा. वो तो यही हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी, दिस इज 12 नॉट 0, राइट? अरे लोनली डोरा जॉम्बी, क्यों डिप्रेशन है भाई? रेगुलरली क्लासेस अटेंड करो, नहीं होगा. नाउ इट्स क्लियर सुजन? गेमर डूज, यस यू आर कोसू. हाउ डू वी डिफाइन दैट? व्हाट? नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन सृष्टि. यस, चलें आगे. चलिए another poll question. 6 less than a number equals to 2. What is the number? 6 less than a number equals to 2. तो वो number क्या है? जल्दी बताओ. Yes, क्या number आएगा? Yes, I can see. Krishna Mur, Harini is saying it's going to be 12. Pranavi says B. Lonely Dora Zombie 8. Okay. 6 less than a number. Let's suppose that number is X. Equals to. यही लिखा है, मैंने सिर्फ उसको ट्रांसलेट किया. क्या बताया था? इसको पहले उधर लेके जाओ, ट्रांसपोज मेथड. तो ये क्या बनेगा? 2 + 6. सृष्टि, हमेशा पहले जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको एक साइड पे करते हैं. ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी 8. सो आंसर इज गोइंग टू बी 8 इन दैट केस. सो ऑप्शन बी, दैट्स द राइट आंसर. फाइन, क्लियर? यस कोसू, गॉट इट? फाइन, सो ऑल सारे लेवल्स क्लियर हो गए. नाउ ट्रेजर हंट हो गया एलेक्स का कंप्लीट. एलेक्स को मिल गया अपना ट्रेजर. वाओ, दैट्स ग्रेट. क्या क्या करा हमने? अल्जेब्रा एज पैटर्न्स देखा, अल्जेब्रा के एक्सप्रेशंस की, अल्जेब्रा के इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, सारे टॉपिक सीख लिए. अब एक चीज आपको करनी है, ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए. इसको ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ट्राई करना क्लास के बाद, और मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे आंसर्स चाहिए. अगर आप सबको सेशन समझ आया, मेक श्योर प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स देना. यस, yeah, we found the treasure and treasure is knowledge. Yes, thank you Nikita. Like terms Srishti, jinme variables same hote hain. Srishti is asking one thing, ma'am, like terms kya hai? Jaise 6x, 8x, ye like terms hai. 6x square, 8x square, ye like terms hai. If you say 6x square y, and if you say, sirf variable part ko dekhna hai, 6y square x, ye unlike terms hai. Kyunki dekho, variables ko bhi dekhna hai, aur unki power ko bhi dekhna hai. Power different ho gai, ye unlike terms hai Srishti. All right, so this was the homework question. If each box of biscuit contains 25 biscuits, the number of biscuits required to fill n such boxes is? Ye bhi homework question hai, try karo. Let us know your answers in the comment section. Jinhone subscribe nahi kara hai, please fatafat se subscribe karo channel ko. Yes, agar aapko lagta hai session useful tha, sab kuch samajh aaya, understand kar paaye. And next session kab hai? Weekend pe hamara again, we are coming up with a session. Again, weekend pe. Kab? Saturday ko, 8th October. That means this Saturday, right? Session is at 12 p.m. Please save the date, save the timing, screenshot le lo. NCRT exercise solutions karenge hum. Grade 6 ka, chapter 11, part 1. Grade 6, chapter 11, part 1. NCRT questions honge, because parts mein divided hai, because bahut sare questions hai. Right, to cover karna one session hai mushkil hai. That's why part 1 hum try karenge. Okay, pehle hum karenge. Le liya sabne screenshot? Yes? 6x and 25n, ye unlike terms hai, lovely Dora Zombie.
एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए आपको वहीं मिलेगा एवरी थर्सडे. नॉट ऑल द टीचर्स बट येस मे बी आई विल कम लाइव और कृति मैम कम्स लाइव और एनी वन ऑफ अस वुड कम लाइव ऑन द टेलीग्राम चैनल. यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोज, ऑब्वियसली ऑडियो ऑन होगा, यू कैन टॉक टू अस. यहाँ तो जनरली सिर्फ चैट में होता है एंड इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है. सेशन का पीडीएफ चाहिए, सेशन की अपडेट्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे. एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो बनता है राइट. एंड शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. सबको बताओ यहाँ पे सेशन कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको अगर जेन्युइनली यूजफुल लगते हैं प्लीज शेयर इट. आपको लगता है कई लोग कुछ स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वी आर टीचिंग ईच एंड एवरीथिंग हियर, प्लीज शेयर विद देम आल्सो. यस इट्स वेरी इजी, इंडीड वेरी इजी. यस 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 रितिका, रितिका जितना ज़्यादा भी प्रैक्टिस कर सकती हो ना डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस लेके, डू दैट राइट, डू दैट. आपके पास ओलंपियाड्स के लिए आप ऑनलाइन साइट पे जाइए, वहां से पेपर्स लेके सॉल्व देम, गुड फॉर प्रैक्टिस. थैंक यू स्टडी मटीरियल. यस 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 स्टिल 3 लाइक्स लेफ्ट, नॉट फेयर. कम ऑन एवरी वन, सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो. यस एंड संडे 6th ग्रेडर्स वी आर कमिंग फॉर यू एज वेल, यू ऑल वर आस्किंग फॉर इट कि हमारे भी वीकेंड्स पे सेशन करो. फाइन, सो आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच, बाय बाय.